यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने CDS 2 परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। जो कैंडिडेट्स एग्जाम्स के लिए उपस्थित हुए थे वे अपने रिजल्ट को ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि आयोग ने सितंबर 2019 में पूरे देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर CDS 2 परीक्षा आयोजित की थी। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किन किन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हुआ है। आपको बता दें कि रैंक 1 पर रहने वाले हैं सुरेश चंद्र, रैंक 2 पर हैं परवेश कुमार और रैंक 3 पर हैं जतिन गर्ग। बाकी की लिस्ट आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इंडियन नेवल एकेडमी में किसने अपनी जगह बनाई है। रैंक 1 पर यहां पर शौर्य अलावत रहे हैं, रैंक 2 पर आशुतोष दिगाई रहे हैं, रैंक 3 पर मधुसूदन बंसल रहे हैं। बाकी की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि 14 कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन एयरफोर्स एकेडमी में हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं, रैंक 1 पर परवेश कुमार हैं, रैंक 2 पर आशुतोष दिगारी हैं और रैंक 3 पर राहुल कुमार यादव रहे हैं और बाकी के कैंडिडेट्स के आप नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इस बार कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 के रिजल्ट को डिक्लेयर करने के बाद मेरिट लिस्ट में 196 लोगों ने कुल अपनी जगह बनाई है, जिसमें से 106 इंडियन मिलिट्री एकेडमी, 76 इंडियन नेवल एकेडमी और 14 कैंडिडेट्स को एयरफोर्स एकेडमी में शामिल किया जाएगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहें jagranjosh.com।